नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले तीन लोगों को किया गिरफ्तार। पॉइंट 32 बोर की एक पिस्तौल सहित 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने बंद पड़े घरों में चोरी करने वाले तीन युवकों को किया काबू। हार्डवेयर का सामान किया बरामद। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक। सरबत के भले की अरदास। अब हलचल विस्तार से। जालंधर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोषियों से पॉइंट 32 बोर की पिस्तौल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं पकड़े गए दोषियों की पहचान हरजिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह और जोबन सिंह के रूप में हुई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि 29/4 को मनप्रीत सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि विदेशी नंबर से 50 लाख की फिरौती के लिए उन्हें फोन आया है, जिसके बाद टेक्निकल टीम की मदद से दोषी हरजिंदर को गिरफ्तार किया गया। और इस दौरान हरजिंदर ने बताया कि इंग्लैंड में बैठे जगदीप और गाला ने मिलकर ये प्लान बनाया था। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज किया मनप्रीत सिंह हरिपुर अड्डे के रहने वाले है। 78 नंबर ऐसी FIR दर्ज की PS सदर नकोदर 386-506 जो यदि तफ्तीश करने लिए असी वक्त टीमा बनाइया। SP इन्वेस्टिगेशन जसरूप, DSP डी लखवीर, इंचार्ज CIA, SHO सदर नकोदर टीमा वक्त गठित करके सारे एंगल्स तो इंक्लूडिंग टैक्निकल ह्यूमन इनपुट असी अपने फील्ड उतारियां टीमा। तो सानू बड़ी वड्डी सफलता हासिल हुई जो असी इस केस के जो तीन मेन मुलजम से उन्होंने गिरफ्तार किया। दो की जी है फाल जारी है। ये तीन असं मुलजम फड़े है, ये सू रिकवरी भी हुई है। एक 32 बोर का पिस्टल है, 5 राउंड है, एक मोटरसाइकिल है, तो नाल सिम के डोंगल जो यूज हुए थे असं भी रिकवर कर ले हैं। तो मैं थोड़ा यह भी दसना चाहना है कि यह जरा बड़ी टैक्निकल असी इन्वेस्टिगेशन ये की जरा बाहर तो नंबर आया सर UK का नंबर से वो असी डिटेल्स कढ़वाइया। डिटेल के सू एक नंबर फिगर आउट होया जो कि हरजिंदर का सर दोषी है। ये असं अरैसट किया मौके पर जोड़ा है। एक होर बंदा वो पूछगिछ आया जोड़ा जोबनजीत नाम का बंदा सी। मैं इतने यह भी दसना चाहना जो जोबनजीत है तो पता होना 2021 के काफ़ी वीड्डी कंसाइनमेंट से अराउंड 3000 KG की, एक होर कंसाइनमेंट से अराउंड 300 KG की। सो उस भी ये दोषी है। ऑलरेडी गुजरात पुलिस ने इनू इसके परचा भी दर्ज किया हुआ है। अमृतसर देहाती जो गुजरात पुलिस उन्होंने किसी होर मुकदमे पेश कर आई तो उतों ये उन्होंने को भज गया। तो ये खिलाफ़ अमृतसर देहाती भी 223-224 धारावों के परचा दर्ज है। सो ये काफ़ी असी सू सफलता मिली है। ये तो होर भी असं पूछगिछ कर रहे हैं, होर भी तो काफ़ी सू चीज़ा बरामद हुई हैं जो डिटेल रिमांड लैके अगे करेंगे। तो एक जो थर्ड बंदा असी अरैसट किया है वह नाम है जी कुलविंदर। ये बेसिकली इन्हें सिम कार्ड अपने नाम से प्रोवाइड किया। तो ये सारे इनू चलान वाले बंदे है UK के बैठे ने। दो बंदे है, उन्हों का नाम है जी जगदीप जगा तो गाला। ये दोनों सुल्तानपुर लोधी के रहने वाले है। इन्होंने 70 नशेरे का जो नाम है वो यूज़ करके ये फिरौती मंगी। तो असी सारा टेक्निकल डिटेल्स सारा वर्कआउट करके पूरा जो मुकदमा ट्रेस किया। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब उन्होंने अमृतसर के पॉश इलाके ग्रेस एवेन्यू में बंद पड़े घरों में चोरी करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं इस घटना संबंधी जानकारी देते हुए थाना सिविल लाइन की पुलिस अधिकारी अमोलक सिंह ने बताया कि लॉरेंस रोड क्षेत्र में अमनदीप अस्पताल के पीछे ग्रेस एवेन्यू में बंद पड़े घरों में चोरी की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उनकी पुलिस थाना ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, जिसमें उनकी पुलिस टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी का हार्डवेयर सामान भी बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि इनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और ये नशे के आदी हैं।
व बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। वही उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष है। उन्होंने बताया कि इनमें से एक आरोपी जितेंद्र कुमार को माननीय अदालत में पेश कर उसका रिमांड हासिल किया गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया बाकी के दो आरोपियों को भी माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जोर फड़े जो 6 महीने तो अपना लगातार मकान वाले घर चोरी की सर ये साढ़े को एक इनफॉर्मेशन आई सी 5/7/24 नूं कि ग्रेस एवन्यू जो अमदी मेड सिटी के बैकसाइड का एरिया है लॉरेंस रोड उत्थे जिहड़े कोई खाली घर ने उन्हां विच जां कई दूसरे घर दे विच कुछ समय तो जिहड़ा कोई घरेलू समान सी कोई उन्हां दीआं टूटियां जां कोई तारां जां कोई होर स्टोर दे विच कोई समान पिया सी उह चोरी हो रहा सी। ये संबंध में असी इनफॉर्मेशन ते FIR रजिस्टर की FIR नंबर 115 डेटेड 5/7/24 अंडर सैक्शन 305-317 BNS थाना सिविल लाइन और ड्यूरिंग इनवैसटीगेशन ये असी 3 दोषी अरैसट किए हैं जिन्हां विचों जतिंदर सिंह आकाश ते गौरव ये सारे वेरके रहन वाले ने और इन्हां पासों जो हार्डवेयर का समान है जो घर चोरियां करते असी रिकवर किया है। सर कोई नशे वगैरह के आदि से या कोई पहले भी कोई मामला दर्ज है सर ये जिहड़ा जतिंदर सिंह है जी ये पहले भी NDPS का केस रजिस्टर्ड आ थाना वेरके तो बाकी भी जोड़े है वह भी डी एडिक्शन तो उन्हों का गोलियां वगैरह लै रहे हैं। सर कि उम्र हैगी है कि देर तो काम कर रहे हैं ये तकरीबन इन्हों की 25-26 साल का एज ग्रुप है तो जो सानू ग्रेस एवन्यू और आस पास के इलाक तो भी शिकायत मिल रही थी तो असी संबंध में रेगूलरली उत्थे पट्रोलिंग ते बाकी सानू जो इनफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस से FIR रजिस्टर करके इन्हों अरैसट किया है। ये असी वेरीफाई कर रहे हैं जी कि कोई होर इन्हों के नाल अगे फदर कोई इन्हों के नाल बंदे अटैच्ड ने जां इन्हां दे कोई इनफॉर्मेशन देने वाला कोई रैकी कंडक्ट करने वाला उन्हां नूं भी असीं जल्दी इहदे विच नामजद करके अरैसट करांगे। सर किन्नू वेचदे जी समान जिहड़ा उह अजे सारा इनवैसटीगेशन का पार्ट आ इहदे विच कोई जिहड़ा हार्डवेयर का समान आ उह रिकवर किया गया बाकी अगे इहनां को डूंघाई नाल पुछगिछ की जाएगी। एक दोषी जिहड़ा जतिंदर है उह रिमांड ते आ ते दूसरे दोषियां नूं कोई असीं अज उहनां नूं मानयोग अदालत विच पेश करके फर्दर रिमांड लवांगे ते अगे उन्हां तों क्लीयर करांगे। सर जिहड़ा समान जिहनूं वेचदे उहदे भी कोई कारवाई कीती जाएगी? सर बिल्कुल उत्ते कारवाई कीती जाएगी ते असीं पूरी तह तक पहुँचने की कोशिश करांगे और जिहड़ा फर्दर इन्हां ने बाकी होर किसी एरिए तों भी समान चोरी किया होएगा उहदे संबंधी भी असीं रिकवर करने की कोशिश करांगे। अध्यात्म का केंद्र श्री दरबार साहिब है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह दरबार साहिब में नतमस्तक होने पहुंचे, जहां उन्होंने वाहेगुरु जी के समक्ष माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गुरुवाणी का कीर्तन भी श्रवण किया व सरपत की भले की अरदास की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि विक्रम सिंह मजीठिया के मामले में उनकी अमृतसर कोर्ट में सुनवाई थी, जिसके लिए वे अमृतसर आए और जिसके बाद वे दरबार साहिब में माथा टेकने आए हैं। वही उन्होंने कहा कि उन्होंने दरबार साहिब में जालंधर विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए भी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि बेशक आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीतने का दावा किया था लेकिन 13 सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके नतीजे 2022 जैसे ही आएंगे और आम आदमी पार्टी जनता का प्यार हासिल करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी पर जो सवाल उठ रहे हैं और जो लोग आम आदमी पार्टी पर ये सवाल उठा रहे हैं उन्हें पहले 2022 से पहले का रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए और 2022 के बाद का भी रिकॉर्ड जांच लेना चाहिए। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे ड्रग और लॉ एंड ऑर्डर पर नियंत्रण किया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साहब में मत्था टेक कर पंजाब की खुशहाली की देश की खुशहाली की आपसी भाईचारे और अमन चैन की प्रार्थना गुरु महाराज जी से की।
ये स्थान वो स्थान है जब मैं पंजाब में प्रभारी के तौर पे काम कर रहा था, उस वक्त भी बराबर यहाँ आता रहा और अब भी जब मौका लगता है अमृतसर आने का तो दरबार साहब में आकर मत्था टेकना अपने आप में बहुत ही सुकून और शांति देता है। हम सबकी गुरु महाराज रक्षा करें, इस देश की रक्षा करें, हमारा भाईचारा अमन और चैन कायम रहे, पंजाब खुशहाली के रास्ते पे आगे बढ़ता रहे, यही मैंने प्रार्थना की है दरबार साहब में मत्था टेक के अपने साथियों के साथ। और अभी हमारी जो सरकार है भगवंत मान जी की, वो पंजाब के लोगों की अच्छे ढंग से सेवा कर रही है, आगे भी सेवा करती रहे, ये प्रार्थना की। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर स्थान की अपनी एक गरिमा होती है और वहाँ जो व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग होते हैं, प्रबंध कमेटी होती है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को चलना चाहिए। जो यहाँ के नियम कायदे कानून हैं उसको हम सबको फॉलो करना चाहिए, अपने आप से फॉलो करना चाहिए, और नहीं तो यहाँ की प्रबंध कमेटी है वो हम लोगों को बताती है भाई ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ये दरबार का नियम है उसको फॉलो करना है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। लॉयंस क्लब आदमपुर द्वाबा द्वारा गार्जियन अस्पताल जालंधर के सहयोग से हड्डियों और जोड़ों का निःशुल्क जांच शिविर लॉयंस आई अस्पताल आदमपुर द्वाबा में लगाया गया। तो वहीं इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव गोयल और डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान ने रोगियों की जांच की। इस दौरान विभिन्न टेस्ट कर मरीजों को दवाइयाँ भी निःशुल्क दी गई। इस मौके पर लॉयंस क्लब के पदाधिकारी दशविंदर कुमार ने इस शिविर के लिए डॉक्टर संजीव गोयल और उनकी टीम का धन्यवाद भी व्यक्त किया। आज लॉयंस क्लब आदमपुर द्वाबा ते लॉयंस आई हॉस्पिटल आदमपुर ने एक हड्डियां का मुफ्त चेकअप कैंप लाया, जिस पर डॉक्टर संजीव गोयल जलंधर को, डॉक्टर ए एस चौहान ऑर्थोपेडिक सर्जन दोनों वो चेक करने आए हैं। बड़ा सक्सेसफुली कैंप चल रहा, इतने असी मरीजा की बोन डेंसिटी टेस्ट यानी कि हड्डियाँ की कितनी ताकत है वो भी चेकअप कर रहे हैं, मुफ्त दवाइया दी जा रही, मुफ्त चेकअप किया जा रहा। इस दे नाल ही असी अज तो अपने हॉस्पिटल एक ऑर्थोपैडिक डॉक्टर की बहन की प्रवानगी दी है जो हफ्ते च 5 दिन बैठे करूंगे 12 बजे तो लाके 4 बजे तक, बिल्कुल घट रेट से बहुत ही 30 रुपये फीस है सिर्फ चेकअप की। जिन्हों लोड़ पैंती है जलंधर जाने की उन्होंने बेनती है कि ऑर्थोपैडिक सर्जन MCH है, बहुत अच्छी स्टडी करके आए हैं इतने, आप तो फायदा लीए अपने हॉस्पिटल लाइन खराब आदमपुर द्वाबा इतने लोगों की यह सहूलत प्रोवाइड की गई। धन्यवाद जी। ये लॉयंस क्लब आदमपुर और गार्डियन हॉस्पिटल चंद्र वालों लगाया जा रहा है, ये हर एक साल लगाते हैं इतने लॉयंस क्लब हॉस्पिटल जोड़ा है, ये हड्डिया का टेस्ट इतने हड्डिया के जोड़ों का कैंप है, ये जेडी भी कोई मरीज है जिन्होंने हड्डिया जोड़ों की प्रॉब्लम उन्होंने देखा जा रहा है, उन्होंने टेस्ट हो रहा है एक जिन्होंने कि BMD टेस्ट कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, ये हड्डिया की कमजोरी का पता लगता है, नाल होर भी कोई बीमारी है जिदा अर्थराइटिस की बीमारी है, स्पाइन की बीमारी है, होर बीमारी है सब का इतने पेशेंट को ट्रीट कर देख रहे हैं, उन्होंने कंसल्ट कर रहे हैं, नाल उन्होंने फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, नाल इतने डॉक्टर ज्योति है फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने फिजियोथेरेपी का गाइड कर रहे हैं, तो काफ़ी मरीज देख लेते हैं। हाले तक तुम्हें यह कि जो मरीज आए हैं उन्होंने फायदा होगा, बहुत तो बहुत हड्डियाँ जोड़ों की बीमारी का फायदा है, और ये बाद जो मरीज इतने इतों कैंप तो साढ़े को अस्पताल आएंगे उन्होंने उ फ्री ट्रीटमेंट होएगा। तो बाकी मैं यही है कि हरेक साल अपने कैंप लगाते रहना ताकि मरीजों को फायदा होता रहे। विधानसभा क्षेत्र जालंधर पश्चिमी उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी सुरेंद्र कौर के समर्थन में एक भव्य रोड शो निकाला गया। इस रोड शो का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने किया। इस अवसर पर पंजाब भर से सीनियर कांग्रेसी नेताओं और वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधायक तृप्त राजेंद्र बाजवा, राजकुमार वेरका, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व मंत्री हंसराज रोशन, कुलवीर जीरा, सिमरजीत सिंह बैंस के अलावा प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। सभी नेताओं ने बीबी सुरेंद्र कौर को समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का प्रगटावा किया।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर सुभाष भगत, कामिनी भगत, बबलू यादव मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित हुए और यज्ञ वेदी में आहुतियाँ डाली। इस अवसर पर ब्रह्म आचार्य अनुराग आर्य ने पवित्र वेद मंत्रों का जाप कर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। वहीं आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भजनों द्वारा संगतों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं आर्य समाज के सचिव हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए याज्ञिक परिवारों और श्रद्धालुओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, वैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। वेद मंत्रों के द्वारा और हमारी जो संस्कृति है हमारी
पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको साथ आपने इस जोत को बनाया है, नहीं तो लोग तो जोत बजाते रहते हैं फूके मार मार करके। आपने जो कार्य किया है वो श्रेष्ठ कर्म किया है, इसी को भगवान कृष्ण योगी राय कृष्ण और राम जी पितर यज्ञ किया करते थे, सारे काम भी यज्ञ के आगे होते हैं। अब शादी भी कर लो तभी देखो यज्ञ वेदी पर, ये सारे कार्य तो अग्नि के द्वारा ही होते हैं, इसलिए ये शुभ माना जाता है। अग्नि को बुझाना नहीं चाहिए, अग्नि को जलाना चाहिए। मैं यही बात करूँगा आज के हमारे जय ब्रह्मा के रूप में। मैं सभा बचाऊँगा भगवान जी से, क्योंकि समय मैं मानता हूँ हमारे यजमान, क्योंकि रात में जब उनसे भुख तो कर दिया था, इनको कहा कि आपका जन्मदिन है इस भारती का, लेकिन कई बार गए हुए थे, रात को 2 बजे पहुँचे, फिर भी यहाँ पर पहुँचे अगले ताली के साथ कर रात को 2 बजे चलाया, फिर मैंने पहुँचा कि शुद्धा अकेले ले रहा हूँ, मैं भी इसकी जरूरत थी आप लोगों दस मिनट लगे, लेकिन फिर भी प्रयास किया उन्होंने समय पर आगे जैसे समय पहुँच गए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि हमारा समय थोड़ा सा इसी कारण हो गया, तो मैं आप सभी का सोनू भारती जी का सभी जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने जो आर्य समाज से जुड़ी है या आर्य समाज से संचालित हो रही है, आज पूरे भारत में 900 से भी प्लस डीएवी की संस्थाएं, एक शैक्षणिक संस्थाएं सबसे अधिक किसी की चल रही तो आर्य समाज की चल रही है, जिसमें बच्चों को वैदिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न जो शिक्षा है वो भी दी जा रही है। हमारे बीच एक कमी है, हमारे अपनों ने ही हमारे साथ हमेशा खेल खेला है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, उठाकर पलट लीजिए। जब जब किसी क्रांतिकारी ने आवाज उठाई है, किसी अपने ने ही उसे छेद दिया, उनके खिलाफ यदि आवाज उठाई जाए, उनके खिलाफ यदि आज हम ना रुके तो हम ये समझेंगे कि आर्य समाज जो है वो शांत हो गया। आज भी वर्तमान की सरकार में, यह कह ले जो पूर्व में सरकार थी या जो आज के देशद्रोही हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, पर हमारे एकजुटता यदि हम में हो जाए तो आज हम उन्हें उनकी गद्दी से नीचे उतार करके उनका ओजोदा जो है उनको याद दिला दे कि क्या थे और हमने क्या तुम्हें बनाया था। वो हमारी कमियां है कि हमने उनको वहां तक पहुंचाया, यदि हम चाहें तो वो वहां से नीचे भी ला सकते हैं। यदि हम एकजुट हो जाए, हिंदू एकजुट हो जाए, तो वो कमियां कभी महसूस नहीं होगी या वो इतिहास के पन्ने कभी लिखे नहीं जाएंगे जिनमें ये हो कि भगत सिंह को गोली से मार दिया गया। बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता, शब्दों का लहजा देखिए कैसे घुमाया है कवि ने। बिना मौसम हृदय को किल से भी गूंजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। अब मुझे नहीं लगता आपको इससे बड़ा कोई इशारा देने की आवश्यकता होगी, आप सभी एजुकेटेड पर्सन हैं, अपने आप समझ जाएंगे। इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री इच्छाधारी मंदिर अड्डा रायपुर बल्ला पठानकोट रोड जालंधर में 14वां वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा जारी रहा, जिसकी शुरुआत सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर स्थित मातृपुर मन्नी धाम के सेवादारों की ओर से शिरकत कर की गई। इस मौके पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, अशोक शर्मा, अजय कुमार, विजय कुमार, पुलकित कुमार, वैशाली रानी, नेहा रानी, इंद्रजीत शर्मा, मिंटू मेहता, विजय महाजन, राजू गोल्डी, जोगिंदर पाल शर्मा, दर्शन सिंह, अश्विनी शर्मा, राजीव शर्मा, स्वर्ण सिंह बंगा, राम सिंह नामधारी, भजनलाल, राकेश कुंद्रा, अमरजीत सिंह किशनपुरा, जसविंदर सिंह जांबा, रमेश प्रभाकर, मोंटी चावला, सुखविंदर शर्मा, पवन सूरी, नरेश गुप्ता, प्रकाश शर्मा, लेखराज शर्मा, भोला सिंह, महेंद्र सिंह, विपिन शर्मा, डॉक्टर DS शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। साडा वार्षिक भंडारा हर साल की तरह अज 11वें दिन प्रवेश कर गया है, जिहड़ा
ਬਾਬਾ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਡਾ ਰੱਬ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਮਾਲਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਭਗਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਜ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੰਡਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਇੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਭੋਲੇ ਨਾਥ, ਜੈ ਭੋਲੇ ਨਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਿਕਾ ਧਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆਲਯ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਚੰਡੀ ਮਹਾਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮਾਂ ਕਾ ਕਾਲਿਕਾ ਦਿਵੇ ਝੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਹਵਨ ਯੱਗ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਧਾਮ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਇੰਦਰਦੇਵ ਬਬਲੂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਹਾਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕੇ ਸਾਥ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸਕੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਦੇਵ ਬਬਲੂ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਧਾਮ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁਕਨ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਮਿਤ ਬਿਨੀ, ਪੰਡਿਤ ਸੰਜੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੰਕਜ, ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਓਮ, ਪੰਡਿਤ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਗੌਰਵ, ਦੀਸਰਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੱਗੂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਮਾਂ ਭਕਤਜਨ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 400 ਬੰਦੇ ਮੇਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਤੇ, ਸਭ ਕੋ ਤੋ ਵੋ ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਾ, ਹਮ ਤੋ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਬਤਾਇਆ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਭਟਕੋ ਨਾ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਤ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਤੋ ਸਮੇਂ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਆਜ ਨਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਹਮ ਹਵਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਪੂਜਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਆਪ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋ ਵਹੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋ ਵਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਅਲੱਗ, ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਰਾਮ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨਕੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕਰਤੇ, ਵੋ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਵਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੋ ਮੇਂ ਹੀ ਐਸਾ ਉਲੇਖ ਲਿਖਾ, ਵੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਹੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਭ ਕੋ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਨਾ ਕਿਸੀ ਪੰਥ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਉਹ ਇਹ ਭੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕੋ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। Yeah.
मैं आचार्य मृदु वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जो पृथ्वी नगर में है, जहां महारानी का ये दरबार है, जहां भगवती माँ काली साक्षात निवास करती है। हर शनिवार को दुख के निवारण चंडी महायज्ञ किया जाता है सायंकाल, लगभग 6:30 बजे प्रारंभ होता है, और जिसमें बड़े दूर दूर से भक्त जमा करके अपनी मनोकामनाओं के लिए भगवती का आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करते, यज्ञ करते, उपाय करते हैं। शनिवार वाले दिन केवल आज के दिन शनिवार वाले दिन केवल सारा निशुद्ध हुआ करते हैं, तो आप सभी महारानी का आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवती आप सबका मंगल करे, कल्याण करें। फिर भी अगर कोई पर्सनली मिलना चाहता है तो कृपया समय ले करके ही आए, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और किसी को सुविधा ना हो, आपका समय बर्बाद ना हो। तो जब तक उनके यहाँ पे सेवादारों से समय मिल जाए आपको, तब अगर कुछ मुलाकात करनी हो। वैसे तो माँ चंडी के दिन पहुँचे केवल आप भगवती शरदास के लिए, तो हमसे मिलने से या ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को, केवल महारानी से मिलिए। भगवती सबका मंगल करके ले आते। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा कालिका धाम किशनपुरा से। जैसे कि सभी को पता ही है कि शनिवार वाले दिन माँ काली का चंडी यज्ञ निःशुल्क यहाँ पे होता है, जो हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हुआ, और भक्तों ने बहुत माता रानी का आशीर्वाद लिया, और बबलू पंडित जी ने अपने स्वयं से चंडी महायज्ञ किया, जिससे कि किसी भी प्रकार के कष्ट, चाहे वह कोर्ट कचहरी का हो या किसी प्रकार के दुखों का निवारण के लिए यहाँ यज्ञ स्पेशली किया जाता है। इसलिए मैं अपने शहरवासियों से और देशवासियों से, जैसे कि हमारे सभी स्टेट से यहाँ पे लोग आके अपना दुख निवारण यज्ञ करते हैं, जो कि निशुल्क किया जाता है। इसलिए मैं सभी को आग्रह करूंगा कि हर शनिवार वाले दिन शाम को 6 से 8 बजे अपना समय निकालें और माँ का सानिध्य प्राप्त करें, जिससे कि उनके हर दुखों का निवारण हो सके, और बबलू पंडित जी के द्वारा यह प्रकार के यज्ञ किया जाता है और उनका गुरु जी का आशीर्वाद लें। जय माता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर देहात पुलिस के सीआईए स्टाफ ने 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। .32 बोर की एक पिस्तौल सहित 5 जिंदा कारतूस किए बरामद। अमृतसर के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने बंद पड़े घरों में चोरी करने वाले 3 युवकों को किया काबू। हार्डवेयर का सामान किया बरामद। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, सरबत के भले की अरदास। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।